तो गाइस मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे थ्रू भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और अब आगे और भी करेंगे। अच्छा सुलाने की भी पूरी व्यवस्था। अच्छा बच्चे जब थक जाते हैं तो सुलाने के लिए देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तभी गाइस सुबह सुबह नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ, बिकॉज अभी मेरे को जाना है रामगढ़। वहाँ पे एक न्यू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रेडी हो चुका है, मैंने बोला था ना रेडी कर रहे हैं, तो हाँ वो फाइनली हो चुका है, और उसमें आप लोगों का और हमारा भी योगदान है। तो हाँ ये हमारा पहला स्कूल है, तो चलते हैं उसका इनॉग्रेशन करेंगे। मैं, बोई भैया, पापा जी सब जा रहे हैं, तो देखते हैं किस तरह का बना है। बनवाया तो चाची ने अपनी मेहनत से है, लेकिन उसमें आप लोगों का और हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है। तो हाँ पहला स्कूल है हमारा, और इसके बाद और भी ऐसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनाते रहेंगे। तो चलो अब चलते जल्दी से। गुड मॉर्निंग ओली। तो मम्मी यहाँ बना रही है ब्रेकफास्ट, क्या बना रही है? मेथी के पराठे। मस्त, आज एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ। चलो अपना ब्रेकफास्ट आ गया। जाने से पहले तिलक जरूरी है, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है, आप लोगों का भी। यशस्वी बाबा आशीर्वाद दे दो। चलते हैं हम, ठीक है, बाय। लोमड़ी बाय। तो साथ में पापा जी और साहिल जा रहे हैं, और आज हम जाएंगे फॉर्च्यूनर में। चलो भाई सुबह सुबह निकल गए हम। तो सबसे पहले हमको जाना है बोबिया के पास में, बोबिया को पिक करना है, उसके बाद जाना चाची के साथ, चाची के पास में चाची को पिक करना है, और फिर चलेंगे रामगढ़ स्कूल देखने के लिए। देखते हैं कैसा स्कूल बना है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा, मैंने फोटोज वगैरह में देखा है, मैंने वर्क इन प्रोग्रेस देखा था उसका, लेकिन मैंने सामने से नहीं देखा। गुड मॉर्निंग बोबिया, क्या एक्साइटेड? आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, और अच्छे काम के लिए हमेशा एक्साइटमेंट रहती है मन के अंदर। तो भी चाची घर पहुंच गए, चाची जी भी आ चुके हैं फाइनली, चलें। चलो चलो। तो फाइनली गाइस रामगढ़ पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं नीचे, स्कूल है। तो ये पहुंच चुके हैं स्कूल, सबसे पहले हम जाएंगे चाची के ऑफिस में, चाची का ऑफिस भी यहीं पे ही है। तो ये स्कूल है, देखो मैं दिखाता हूँ। रुको गाइस, एक दिक्कत हो गई है, देखो यहाँ पे मेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, पहले रूपांतरण के बारे में बता दो एक बार। रूपांतरण बेसिकली एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी सुविधाएं देने पर फोकस करता है। जब सारी सुविधाएं होंगी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डिजिटल क्लासेस होंगी, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की एजुकेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और सारे देश के सारे बच्चों को हम इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। तो ये रूपांतरण का बेसिक पर्पस है। अच्छा, तो सर यहाँ की हेड टीचर है खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी। तो ये है चाची का ऑफिस, एंड हमारे साथ में आज सिद्धार्थ भी है। हेलो गाइस, जो ये रूपांतरण वाला आइडिया है ना, ये सिद्धांत का था। जब मैं एक बार रानीखेत में, मम्मा ने कहा था कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो चाहती है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ूं, लेकिन मैंने कह दिया मैं सरकारी स्कूल में तब पढ़ूंगा जब तुम सारे सरकारी स्कूल मेरे स्कूल जैसे बना दोगी। तो वहीं से रूपांतरण शुरू हुआ, सारे स्कूल में ट्रांसफॉर्म करने थे, सारे स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज देनी थी ताकि सब बच्चे कंफर्टेबली पढ़ सके। अब चलते हैं स्कूल में। अरे वाह, भाई कितने क्यूट लग रहे हैं। हाउ क्यूट। अब सर को वो भी आएगा भी। वेलकम स्वागतम स्वागतम। मैं काटूं? बच्चों को काटने दो, बच्चों को साथ में काटने, नहीं बच्चों को काटने दो, बच्चों को करने दो ना, मैं हाथ लगा लूंगा बस। चलो तुम लगा लो, आप करो, बच्चों करो, बच्चे भी करो, सिद्धार्थ भी करेगा, मैं भी करेंगे। क्लैपिंग। तो भी गाइस सबसे पहले हम आए हैं बाल वाटिका में, तो देख सकते हो ये पूरा मॉडिफाई कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पहले कैसा था, आपको दिखाना। देखो भाई मतलब लग ही नहीं रहा कोई गवर्नमेंट स्कूल है। बाहर से तो पहले ये रूम बाहर से देखो ऐसा था, और ये देखो ऐसा था, पहले ऐसा था अंदर से। ये देखो इसकी छत भी कैसी है, दीवारें भी कैसी, छत लीक कर रही है, और अब देखो भाई पूरा मॉडिफाई हो चुका है, और मतलब देखने में काफी बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब बच्चे मस्त पढ़ेंगे यहाँ पे, और सिर्फ मैम की वजह से है, नहीं मेरी वजह से नहीं, बहुत सारी टीम स्पेशली सौरभ को भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो पिछले ब्लॉग में आपने अपील करी थी लोगों से, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उसके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग करी है हमारे साथ। तो गाइस मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे थ्रू भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और अब आगे और भी करेंगे। अच्छा बच्चे जब थक जाते हैं तो सुलाने के लिए देखो बेड भी बना रखे हैं यहाँ पे, उनके लिए खिलौने वगैरह हैं, चेयर्स वगैरह हैं छोटी छोटी, यहाँ पे भी बेड है, और यहाँ पे ये देखो बच्चों के लिए टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब स्मार्ट क्लासेस चलती हैं बच्चों की। नर्सरी से लेके फिफ्थ तक का
सारे सब्जेक्ट का सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है. बच्चों को दोनों तरह की भाषाएं और बहुत सारे गेम्स हैं इसमें, कहानियां हैं जिससे ये लोग बच्चों को बेहतर तरीके से करा पार कर सकते हैं. जो सरकारी स्कूल में बच्चे होते हैं बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, थोड़े इस तरह के परिवारों से आते हैं जहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं होती. बच्चों को कहीं भी ना लगे कि शिक्षा में दो तरह की शिक्षा है, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए. तो हमें देश के हर बच्चे के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है कि वो कहीं भी उसमें मतलब मोटिवेशन की कमी ना हो, कहीं उसमें मोटिवेशन बेसिकली इस तरह की फीलिंग ना आए कि मैं अंडर प्रिविलेज बच्चा हूँ, मेरे पास मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं. तो कहीं भी उन बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा देश का बहुत कीमती है. और मतलब हम लोगों की ये मुहिम है हमारी टीम की, और आई एम प्राउड कि सौरभ हमारी टीम में शामिल है, कि हम देश के हर बच्चे को इस तरह का स्ट्रक्चर दे सकें ताकि इस देश की और स्पेशली उत्तराखंड की शिक्षा में, पहले हमें उत्तराखंड की शिक्षा में काम करना है और फिर हमें आगे बढ़ करके पूरे देश के लिए काम करना है. क्यों सौरभ? हाँ, मतलब मेन मोटिव तो ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये फील ना हो कि हमारे लिए अलग एजुकेशन है, अमीर बच्चों के लिए अलग एजुकेशन है. तो हाँ, इसीलिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे ना. फॉर एग्जांपल जैसे टीवी हो गया, खिलौने हो गए, बेड हो गया. कहीं भी विदेशों में भी जब किंडरगार्टन्स होते हैं या चाइल्ड केयर होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है. मतलब यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब भी बना रखी है, तो कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर चलाने को मिल रहा है, टीवी चलाने को मिल रहा है, और डांसिंग क्लासेस और बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हो रही है बच्चों को. तो हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग रहता है उनके लिए, तो वो आते हैं बच्चे साथ. जो बच्चे स्कूल आने से डरते थे, कतराते थे मतलब स्कूल आने के नाम पर, तो वो बच्चे समय से पहले ही स्कूल आ जा रहे हैं. स्कूल में खेल अच्छा, टाइम से पहले ही आ जा रहे हैं. सवा नौ बजे का स्कूल है, 9 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं कि हमें खेलने को मिलेगा. तो हाँ, ये स्ट्रेटजी है. तो यही तो हमें करना है कि बच्चे को जो हैप्पी स्कूल का कॉन्सेप्ट है ना, कि बच्चे खुश हो. तो गाइस, इसमें मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है. थैंक यू सो मच जिसने भी किया. चलो चलो भाई. तो चाची मुझे यहाँ की फोटोज वगैरह, जो वर्क इन प्रोग्रेस का फोटोज वगैरह भेजती रहती थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने का. तो फाइनली कंप्लीट हुआ, तो मैं आके देख रहा हूँ भाई. मतलब फोटोज वीडियो से तो रियल में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, और काफी मतलब अच्छा सा लग रहा है इसको देख के यार. एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. अभी बाकी सारे बच्चे बाहर हैं, तो बच्चों से मिलेंगे और कुछ प्रोग्राम भी करा उन्होंने हमारे लिए. तो एक क्लास रूम ये है, ये कौन सी क्लास का? थर्ड फोर्थ फिफ्थ का अभी जो है. अच्छा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक साथ बैठते हैं. और ये है कंप्यूटर लैब. आईसीटी रूम, लाइब्रेरी, मतलब मल्टीपर्पज रूम है. सभी बच्चे बन जाते हैं. सभी बच्चे बन जाओ. आई वुड लाइक टू थैंक्स सौरभ सर एंड बीओ मैम, उन्होंने हमारे स्कूल को नया बनाया है, इसीलिए हम उनको थैंक्स कहना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. ये कौन सी क्लास के? क्लास फर्स्ट और सेकंड के. क्लास फर्स्ट और सेकंड के. ये भी पूरा मॉडिफाइड. ये भी पूरा मॉडिफाइड है. स्मार्ट टीवी सब जगह लगा हुआ है. और ये यहाँ का किचन है. ये हमारी भोजन माताएं हैं. भोजन माताएं, 50 लोगों का भोजन तैयार हो रहा है. हमें ऐसा लगता है आपको दाल चावल बहुत पसंद है. हाँ. क्योंकि आपके ब्लॉग में हमने देख रखा है. आप देखते हो मेरे ब्लॉग? आज हम आपको अपने विद्यालय में तैयार हुआ दाल चावल. अरे थैंक यू सो मच. थैंक यू. और सभी बच्चों से मिलके काफी अच्छा लगा, सभी स्टाफ से मिलके, टीचर से मिलके, सबको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, सभी बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए और टीचर्स को भी. थैंक यू सो मच. तो भी गाइस, फाइनली प्रोग्राम हो चुका है. अब फिलहाल खाना खाएंगे, दाल चावल, आलू और सैलेड. बहुत टेस्टी है. तो भी गाइस, खाना पीना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है. अभी फिलहाल आए हम गार्डन में, और ये गार्डन है देखो, बच्चे खेल रहे हैं. तो ये बच्चे अपने अपनी क्लासेस में जा चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, तो चलो अब हम भी चलते हैं यहाँ से. तो भी आ चुके हैं स्कूल से ऊपर. तो ये स्कूल था पूरा, और देखो वहाँ पे रिवर भी है, कितनी मस्त लोकेशन है स्कूल वाली. तो आप गाड़ी वो भी चलाएंगे. तो भी गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी थी. मैं भी एक दो दिन से देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ना उत्तराखंड के काफ़ी कुछ बोल रहे हैं. मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू, मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को, बस मैंने ये बोला था. मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं. तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी. You put my favorite song on.
तो भी गाइस हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, अभी हम आए बोए भाई घर पे, तो यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। चले चलो यार, फाइनली पहुंच चुके हैं सोसाइटी। गाइस आज को तो पूरा दिन लग गया लेकिन मजा आ गया भाई, मतलब बच्चों को देख कितना अच्छा लगा ना, बच्चों के फेस पे जो स्माइल थी। तो हमारा पहला स्कूल था ये। मम्मी जी मजा आ गया आज, आपको भी आना चाहिए था वैसे। तो भी घर पे पहुंच चुके हैं, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आज के इस व्लॉग में आपको हमारा पहला स्कूल दिखाया जिसमें हमने कंट्रीब्यूट किया, आप लोगों ने भी और हमने भी। तो हाँ, आगे के लिए मैं डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, अगर आपको डोनेट करना हो तो आप कर सकते हो। तो हाँ, थैंक यू सो मच जिन्होंने लास्ट टाइम किया था, और ऐसे ही हम और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, बिकॉज ना बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको देख के जो फील आ रहा था ना, उनको देख के वो, आप कभी जाके देखना, मतलब उत्तराखंड आओगे ना रामगढ़ में उस स्कूल में जाके देखना, तो मतलब जो उनको देख के फील आता है ना कि हाँ भाई इतने टैलेंटेड इंग्लिश बोल रहे भाई, तो भाई देख के एक मोटिवेशन आता है। इसलिए मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, व्लॉग में दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं बिना व्लॉग के भी कर सकता था ये सब चीज़ें, व्लॉग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन आए और अच्छा लगे। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ, अभी इसके बाद फिर नेक्स्ट स्कूल पर काम करेंगे, इस तरह से जितने भी स्कूल हैं सारे हम अच्छे अच्छे कर देंगे। तो हाँ चलो, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। I'm gonna get you.